أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے اور ہم اس سے غافل ہیں. سازش کرنے والے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی, جن پر رب غضبناک ہوا, جن کی شکلوں کو بندروں اور خنزیروں کی شکلوں میں بدل دیا گیا. سازش کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ہمارے دشمن, ہمارے نبی کے دشمن, ہمارے قرآن کے دشمن, اور جس ہستی نے قرآن نازل کیا ہے اس کے دشمن. جن کے منہوں سے ہم یہ بکواس سنتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ دہشت گردی کی جگہ, دہشت گردی کے مراکز ہیں, وہاں کی یونیورسٹیاں دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں, ان یونیورسٹیوں میں وہاں کے اساتذہ دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں, قرآن خود دہشت گردی سکھا تھا, اور دہشت گردی اس وقت ختم ہوگی جب خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا. پہلے حکومتیں کہا کرتی تھیں اس سازش میں, پہلے حکومتیں شریک تھیں کہ جن کے بارے میں رب کہتا ہے یہ تمہارے دوست نہیں دشمن ہیں, حکومتیں ان کے ساتھ اتحاد کا درس دیتی تھیں, اتحاد بین المذاہب, کانفرنسیں اپنے اپنے ملک میں منعقد کرواتی تھیں جن میں مسلمانوں کو, عیسائیوں کو, یہودیوں کو جمع کیا جاتا تھا. اور پھر یہی بات ہماری جماعت کے بڑوں کے منہ میں ڈال دی کہ یہ مشرک نہیں, اہل کتاب عیسائی اور یہودی یہ مشرک نہیں, قبر پرست مشرک نہیں, یہ فاسق فاجر ہیں, ان کے لیے قرآن کی علیحدہ اصطلاح.
वो तो अल्लाह का शुक्र है कि इस नज़रिए को किसी ने भी ना माना। ये नज़रिया वैसे ही रद्द कर दिया गया जैसे मुसैलमा कज़्ज़ाब की नबूवत को रद्द कर दिया गया था। लेकिन हमें ये जांचना चाहिए कि जिस चीज़ की दावत हमारे हुक्मरान हमें दे रहे हैं, हमारा मीडिया हमें दे रहा है, हमारे दुश्मन हमें दे रहे हैं, आया वाकई वो हमारे दुश्मन हैं? वाकई ये लोग नजिस हैं? जैसा कि अबू सुफियान की बेटी उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा ने अपने बाप के साथ सलूक किया था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के के लोगों ने सुलह हुदैबिया की खिलाफ वर्जी की तो अल्लाह के नबी ने उनके सामने ये बात रख दी कि अगर तुम सुलह हुदैबिया को नहीं मानते हो तो कह दो सुलह हुदैबिया टूट गई, वो तहरीर ख़त्म हो गई। उस वक़्त उन्हें जोश चढ़ा हुआ था, कहने लगे टूट गई, हम नहीं मानते। बाद में संजीदा लोगों ने सोचा अगर वो टूट गई तो फिर ये मुसीबत तो हमारे सर पर आ पड़ेगी। कोशिश करने लगे कि उस सुलह को जिसको तोड़ने का हमने खुद ऐलान किया था उसको जोड़ दिया जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास अबू सुफियान आए, कहने लगे मेरी मदद करो, अपने आका से कहो जो सुलह हमने तोड़ी थी उसको जोड़ दे, वो मुआहदा बरकरार रखे। हज़रत अली ने इससे मजाक किया, कहने लगा तू सरदार है, जा मदीने में ऐलान कर दे कि जो सुलह हमने तोड़ी थी हमने जोड़ दी। ये पहले अपनी बेटी के पास गए कि शायद ये मेरे लिए अपने शौहर से सिफारिश करेंगी और मेरी बात बन जाएगी। जब अबू सुफियान की बेटी ने अपने बाप को अपने घर आते हुए देखा, एक बिस्तर बिछा हुआ था जिसमें खजूर की छाल थी, खजूर के पत्ते, उन्होंने वो बिस्तर लपेट दिया। अबू सुफियान अपनी बेटी की इस हरकत को नोट कर रहा था, पूछने लगा बेटी ये बिस्तर तूने क्यों लपेटा? क्या ये बिस्तर मेरे काबिल नहीं या मैं इस बिस्तर के काबिल नहीं? मैं अपनी कौम का सरदार हूं और ये मामूली सा बिस्तर है, क्या तू समझती है कि ये बिस्तर मेरे काबिल नहीं? कोई अच्छा बिस्तर बिछाना चाहिए, या तू समझती है कि मैं इस बिस्तर के काबिल नहीं, ये बिस्तर ऊंचा है और मेरी शान नीचे है? उम्मे हबीबा कहने लगी बाबा सही बात तो ये है कि तू इस बिस्तर के काबिल नहीं, इन्नमल मुशरिकून नजस, तू पलीद इंसान है और ये मेरे नबी का पाक बिस्तर है, मैं तुझे इस पर बैठने की इजाजत नहीं देती। कहां वो ये ख्याल करके आया था कि बेटी मेरी सिफारिश करेगी, और कहां बेटी ने ये सलूक किया कि बिस्तर ही लपेट दिया, घर से निकल गया।
हजरत अली से जाकर कहा, हजरत अली ने मजाक किया, इसने सही समझा, ऐलान कर दिया, मक्के वापस चला गया। लोगों ने पूछा तू सुलह की तजदीद के लिए गया था, क्या बना? कहने लगा मैं कर आया सुलह की तजदीद। कहा कैसे की, कौन कौन शरीक हुआ? कहा शरीक तो कोई भी नहीं हुआ, मैं अली से मिला था, अली ने कहा था जाओ ऐलान कर दो तुम सरदार हो, तुम्हारी बात को कौन रद्द कर सकता? लोगों ने कहा अली ने तुझको बेवकूफ बनाया। सुलह की तजदीद ऐसे होती है, सुलह की तजदीद में फरीकैन शामिल होते हैं तो तजदीद होती है, वरना जैसे फरीकैन की अदम मौजूदगी में सुलहनामा नहीं लिखा जा सकता, ऐसे तजदीद भी नहीं हो सकती। वो जिनका शिर्क आयां है, आज इस्लाम के खिलाफ साजिश क्या हो रही है, वो जिनका शिर्क आयां है उनको कहा जा रहा है तुम हमारे भाई हो, हम में और तुम में कोई फर्क नहीं, हम तुम एक हैं। हमारा दुश्मन कौन है? हिंदू बनिया। उन लोगों को जो दारा इस्लाम से खारिज हो चुके हैं अल्लाह के साथ शिर्क करने की वजह से, अब हुकूमतें इत्तेहाद बैनल मसालिक के नाम पर उनके अंदर जोड़ पैदा कर रही हैं कि अकीदे को एक तरफ रखो। अकीदा, ये मौलवी यहां तक पहुंच गए, कहने लगे ये तौहीद और सुन्नत की बातें पुरानी बातें हो गई, इसको छोड़ दो, अब नया दौर आया जिसमें इत्तेहाद और इत्तेफाक होना चाहिए, हम सब एक। ये पुरानी बोसीदा बातें हैं कि जो तौहीद को नहीं मानता वो मुशरिक है, जो सुन्नत को नहीं मानता वो बिदती है, उसका रास्ता सिरात मुस्तकीम नहीं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की इत्तेबा नहीं करता। ये पुरानी दकियानूस बातें हैं, पहले इस पर मुनाजरे भी होते रहे, तकरीरें भी होती रहीं, किताबें भी लिखी जाती रहीं। अब दौर किस चीज़ का है? इत्तेहाद और इत्तेफाक। कुरान इस इत्तेहाद को रद्द करता, कुरान इन दोस्तों को दुश्मन करार देता, मुसलमानों का भी दुश्मन, नबी का भी दुश्मन और अल्लाह का भी दुश्मन। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीन आमनु ला तत्तखिज़ुल यहूद वन्नसारा औलिया। इत्तेहाद बैनल मज़ाहिब की तालीम देने वालों, कुरान का वाज़े हुक्म क्या है? ऐ ईमान वालों, यहूदियों और ईसाइयों को दोस्त ना बनाओ। बाज़ुहुम औलिया बाज़, हाँ यहूदी और ईसाई ये आपस में दोस्त बन सकते हैं, लेकिन मुसलमान और यहूदी और ईसाई दोस्त नहीं बन सकते। आज यहूदी और ईसाई मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिद हैं, इसलिए अल्लाह ने कहा बाज़ुहुम औलिया, बाज़ यहूदी बाज़ ईसाइयों के दोस्त बन सकते हैं लेकिन मुसलमान के दोस्त नहीं बन सकते। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, और जो इन यहूदियों ईसाइयों से दोस्ती कायम करेगा फइन्नहु मिनहुम, ये भी यहूदियों और ईसाइयों जैसा। मुसलमानों के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं, चाहे ये कलमा गो है, अगर इसकी दोस्ती इत्तेहाद बैनल मज़ाहिब की वजह से किसी यहूदी और ईसाई से हो जाती है, ये यहूदी और ईसाई है मुसलमान नहीं। फइन्नहु मिनहुम, एक जगह फरमाया या अय्युहल्लज़ीन आमनु ला तत्तखिज़ुल लज़ीन तक़ज़ु दीनकुम हुज़वम औ लहबा। ऐ ईमान वालों,
उन लोगों को अपना दोस्त न बनाओ। इत्तखज़ु दीनकुम हुज़ुवन व लाइबा, जिन्होंने तुम्हारे दीन को ठट्ठा मजाक बना रखा। इनके चर्च का पादरी तुम्हारे कुरान को जला रहा है और तुम इनकी तरफ दोस्ती के हाथ बढ़ा रहे हैं। किसी मुसलमान हुक्मरान को ये तौफीक नसीब नहीं हुई कि ये जमहूरी तौर पर ही अपना सफीर वापस बुला ले, सफारती ताल्लुकात मुनक़ते कर दे, उनका मुआशी बायकाट कर दे, तिजारती लेन देन बंद कर दे। किसी मुसलमान हुक्मरान को इतनी भी तौफीक नहीं हुई। किन से? जिन लोगों ने हमारे कुरान को जलाया, जिन लोगों ने हमारे नबी के खाके शाया किए। किसी मुसलमान हुक्मरान ने उस काफिर हुकूमत का बायकाट नहीं किया। फरमाया मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन कबलकुम, ये कौन लोग हैं जो तुम्हारे दुश्मन हैं, जिन्होंने तुम्हारे दीन को ठट्ठा और मजाक बना रखा है कि तुम्हारी औरतें उनके ममालिक में पर्दा तक नहीं कर सकती हैं, नकाब नहीं ओढ़ सकती हैं, उनको इदारों में पढ़ने की इजाजत नहीं जो लड़की निकाब पहनकर ओढ़कर ऐसे यूनिवर्सिटियों या ऐसे स्कूलों में जाती है। जिन लोगों ने तुम्हारे दीन को ठट्ठा मजाक बना रखा है वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिनको तुमसे पहले तौरात दी गई, इंजील दी गई। वल कुफार, तुम्हारे दीन को ठट्ठा मजाक बनाने वाले वो काफिर हैं। तुम क्या करो? इनको दोस्त न बनाओ। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम्हारे अंदर ईमान की रत्ती भी बाकी है, अगर तुम ईमानदार हो, अल्लाह से डरो। तुम ये कर क्या रहे हो? किसी काफिर को, किसी यहूदी और ईसाई को जिनको अल्लाह ने किताब दे रखी है उनको दोस्त न बनाओ। क्यों? ये तुम्हारे दीन के साथ ठट्ठा मजाक करते हैं। फिर अंजाम बतलाया कि जो लोग ये काम करेंगे उनका अंजाम क्या है। फरमाया ला यत्तखिज़ुल मुमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त ना बनाना। वमन यफअल ज़ालिका फलैसा मिनल्लाहि फी शैई, और जो मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त बनाएगा, अल्लाह इससे ला ताल्लुक है, अल्लाह का इससे अब कोई ताल्लुक नहीं, अल्लाह ने फिटकार दिया, इसको दूर कर दिया अपनी रहमत से। फलैसा मिनल्लाहि मिन शैई, अब इस पर जुल्म के पहाड़ टूटे, अल्लाह इसका साथ नहीं देगा। इसका घर जलाया जाए, अल्लाह इसका साथ नहीं देगा। इसकी हुरमत को पामाल किया जाए, इसकी इज्जत को तार तार किया जाए, इसकी मईशत को तबाह किया जाए, अल्लाह आसमान पर अर्श पर बैठकर ये नजारा तो करेगा, आसमान से मदद के लिए फरिश्ते नहीं भेजेगा। फलैसा मिनल्लाहि फी शैई, अल्लाह ने इससे अपने ताल्लुक को तोड़ लिया, इसको धतकार दिया, अपने दर से दूर कर दिया, अब अल्लाह का इससे कोई ताल्लुक नहीं। वरना हक्कुन अलैना नसरुल मोमिनीन, मुसलमानों की, मोमिनों की मदद करना अल्लाह कहता है हम पर फर्ज है। हक्कुन अलैना नसरुल मोमिनीन, मोमिनों की मदद करना हम पर फर्ज है। अल्लाह यहां इन लोगों को अपना दुश्मन करार देता है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीन आमनु ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, ए ईमान वालो, मेरे दुश्मन को और अपने दुश्मन को दोस्त न बनाना। ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया,
मेरे दुश्मन को और अपने दुश्मन को दोस्त ना बनाना। तुलकून इलैहिम बिल मवद्दा, तुम इनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हो। तुम इनसे भीख मांगते हो, तुम इनके आगे बिछे जाते हो। तुलकून इलैहिम बिल मवद्दा, तुम इनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हो। वकद कफरू बिमा जाअकुम मिनल हक, लेकिन ये ऐसे बदबख्त हैं कि इनके पास हक पहुंच गया। ये जानते हैं कि ये आने वाला नबी सच्चा नबी है, ये कुरान सच्ची किताब है, इसके बावजूद वकद कफरू उस कुरान का इनकार कर देते हैं, उस नबी को मानने के लिए तैयार नहीं होते। ये कौन है? ये तुम्हारे दुश्मन भी हैं, मेरे दुश्मन भी हैं। चलो ये बात तो समझ आती है कि ये यहूदी और ईसाई मुसलमानों के दुश्मन हैं, इसलिए कि आखिरी नबी इसहाक अलैह सलाम की नस्ल से नहीं आए, ये दुश्मन बन गए। लेकिन अल्लाह से दुश्मनी की क्या वजह है, क्या सबब है? अल्लाह पर तो इनका ईमान होना चाहिए ना। नबी से दुश्मनी, कुरान से दुश्मनी इतनी बड़ी, आखिरकार ये अल्लाह के भी दुश्मन बन गए। असल क्या चीज थी? नबी से दुश्मनी, कुरान से दुश्मनी, नबी का इनकार, कुरान का इनकार, और ये सबब बन गया। जब ये दुश्मनी में आगे बढ़ गए, कहा अच्छा जिसने ये कुरान भेजा है वो भी हमारा दुश्मन, जिसने इस नबी को भेजा है वो भी हमारा दुश्मन। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया मन कान अदुव लिल्लाह, जो अल्लाह का दुश्मन बन जाए, जो जिब्रील का दुश्मन बन जाए। जिब्रील के साथ दुश्मनी की वजह क्या है? ये वो कुरान लेकर आया, ये वो अजाब लेकर आया जो अहले किताब पर नाजिल किया गया। ये अजाब लाने वाला, कुरान लाने वाला, ये हमारा दुश्मन है, और चूंकि ये हमारा दुश्मन है लिहाजा इसको भेजने वाला अल्लाह भी हमारा दुश्मन है। अल्लाह ने इन बदबख्तों की सरकशी कुरान में यूं जिक्र की, वकालत यहूद यदुल्लाह मगलूला। ये बदबख्त कहने लगे यहूदी, यदुल्लाह मगलूला, अल्लाह का हाथ उसकी गर्दन के साथ बंधा हुआ। क्या माना? अल्लाह बखील है, खर्च नहीं करता, उसका हाथ बंधा हुआ है। फरमाया अल्लाह ताला ने गुल्लत ऐदीहिम, इन बदबख्तों के हाथ बंधे हुए हैं। वो लोयनु बिमा कालू, और जो बकवास इनकी जबान से निकली है कि अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है, वो लोयनु बिमा कालू, इस वजह से अल्लाह ताला ने इन पर आसमान से लानत बरसा दी। बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह फरमाता है मेरे हाथ तो खुले हुए हैं। युन्फिकु कैफा यशा, मैं जैसे चाहता हूं खर्च करता हूं। अल्लाह ताला के बारे में इतनी बड़ी गुस्ताखी कि अल्लाह को यहूदी भी मानते हैं। इनकार नबी का है, नबी पर उतरने वाली किताब का है, लेकिन दुश्मनी में इतने बढ़ गए, कहने लगे अल्लाह का हाथ भी बंधा हुआ है। अल्लाह नौज़ बिल्ला बखील है, अल्लाह फरमाता है ये खुद बखील है, इन पर मेरी लानत है, मेरे हाथ तो खुले हुए हैं, मैं तो दिन रात खर्च करता हूं। एक जगह अल्लाह ताला को इन बदबख्तों ने फकीर तक कह दिया, अल्लाह फकीर है। फरमाया अल्लाह ताला ने लकद समय अल्लाह قال الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء,
अल्लाह ने इन लोगों की बात सुन ली जिन लोगों ने अल्लाह के बारे में ये बकवास की। इन अल्लाह फकीर, अल्लाह फकीर है, वह नहनु अग्निया, और हम गनी हैं, हम सखी हैं, अल्लाह फकीर है। अल्लाह फरमाता है सनक तो वो मा कालू, हमने इनकी बात लिख ली है। एक दिन आएगा हम इन जालिमों को सामने खड़ा करके पूछेंगे, तुमने मेरे बारे में कहा था मैं फकीर हूं और हम सखी हैं। सनक तो वो मा कालू, हमने इनकी बात नोट कर ली है। वकतलहुमुल अंबिया बगैर हक, और जो ये नबियों को बगैर किसी वजह के कत्ल करते हैं, एक तो आम आदमी है जिसको कत्ल करना, अल्लाह फरमाता है कान्नमा कतलन्नास जमीआ, जिसने एक आदमी को ना हक कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। कहा तो आम आदमी है, ये बदबख्त अंबिया को कत्ल करते थे बगैर हक, उन अंबिया का सवाए तबलीग के, दावत के, तौहीद के, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के, और कोई भी जुर्म नहीं होता था। आज बाज लोग इन्हीं यहूदियों की सुन्नत पर अमल करते हुए उन उलमा के खिलाफ जबान दराज करते हैं जिनका मिशन अल्लाह की तौहीद फैलाना, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत बयान करना, तौहीद और सुन्नत के अलम को बुलंद करना। आज बाज लोग इन्हीं यहूदियों की सुन्नत पर अमल करते हुए ऐसे उलमा के खिलाफ महाज बना रहे हैं कि किसी तरीके से ये आवाज बंद करवा दी जाए। तौहीद को पुराना फरसूदा कौल कहके कि ये पुरानी बात हो गई कि तौहीद तौहीद तौहीद, कई सालों की बात है। एक जगह प्रोग्राम हुआ, जलसा हुआ, सब इकट्ठे थे, तकरीर करने वाले ने तौहीद की आयात तिलावत कर दी, नबी की सुन्नत और इत्तिबा की अहमियत बयान कर दी, और जो तौहीद को नहीं मानते, कबर परस्त और नबी की इत्तिबा नहीं करते, उनको उनके अंजाम से डरा दिया गया। एक आम कारकुन बदबख्त उठा, तकरीर खत्म होने के बाद उस आलिम से मुखातिब होकर कहने लगा, अगर ये बकवास करनी थी तो आए क्यों थे, हम तो बड़ी मुश्किल से लोगों को घेर कर लाए हैं कि चंदा वसूल करें, तुमने अगर ये बकवास करनी थी तो यहां आने की जरूरत क्या थी, ये किसकी सुन्नत है, ये यहूदियों की सुन्नत है अहले किताब की, कि अंबिया जो तौहीद का अलम बुलंद करते हैं, अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं, वो वही जो उन पर उतरती है, फस्ता बिमा तोमर वारिजनिल जाहिलीन, ऐ नबी पहुंचा जो तुझ पर मैंने नाजिल कर दिया, और जो जाहिल है उनसे एराज कर मुंह फेर ले। वल्लाहु यासिमुक मिनन्नास, डरना नहीं, इनके हाथों से महफूज करना ये मेरा काम है। यहूदियों का जुर्म दूसरा क्या था, एक तो कहा कि अल्लाह फकीर, दूसरा अंबिया को जो हक का पैगाम पहुंचाने वाले हैं उनको कत्ल किया करते थे। वनकूल जूकू अजाब अलहरीक, हम क़यामत के दिन वनकूल हम क्या कहेंगे, जूकू अजाब अलहरीक, जलने के
आग के अजाब को चखो, ये तुम्हारा अंजाम। कुरान में जब ये आयत उतरी, मंजल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह ताला को कर्ज़े हसना देता है? किस लिए? अपनी आखिरत मनाने के लिए, जन्नत के हसूल के लिए। कौन है जो अल्लाह को कर्ज़े हसना देता है? इस आयत के उतरने के बाद यहूदी मुसलमानों से क्या कहने लगे? इन्नल्लाह फकीर, अल्लाह मांगता है, फकीर हो गया। अल्लाह ताला ने कुरान में इस बात का तذکرہ करके कहा कि हमने ये बात लिख ली है उस वक्त के लिए जब कोई किसी का साथ नहीं देगा, जब हिसाबो किताब देने के लिए तुम मेरे पास आओगे, मैंने उस वक्त के लिए ये बात लिख ली है। और ये भी लिख लिया है कि तुमने हमारे अंबिया को कत्ल किया, हम तुम्हें फिर उसका मजा चखाएं। इनकी एक और गुस्ताखी अल्लाह कुरान में जिक्र करता है, वकालु तखज़र रहमान वलदा, ये बदबख्त कहते हैं रहमान ने औलाद बना ली है, बेटे बेटियां घड़ ली हैं। अल्लाह फरमाता है, लकद जिअतुम शैअन इद्दा, बहुत बड़ा गुनाह तुमने किया है। ये बात कहकर कि अल्लाह ने औलाद बना ली है, ये मामूली गलती नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा गुनाह है, जिसमें तुमने ये कहकर कि अल्लाह ने औलाद बना ली है इसका इर्तिकाब किया। फरमाया ये इतना बड़ा जुर्म है, तकादु समावात यतफत्तरन मिन व तनशक्कुल अर्द व तखिरुल जिबालु हद्दा, करीब है कि इस बात की वजह से आसमान फट जाए, जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। अंदाउलिर रहमान वलदा, कि तुम अल्लाह ताला की औलाद साबित करते हो कि अल्लाह ने बेटा बेटे और बेटियां बना ली हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और यह हदीस कुदसी है, फरमाया قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك, अल्लाह ये फरमाता है कि आदम के बेटे ने मुझे झुठला दिया, मेरी तकजीब कर दी, और उसके लिए ये रवा